यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर इस वक्त कन्नौज से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार स्कूली बस ने बाइक सवारों को कुचला है। ये बड़ी खबर आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां पर हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें, आशा देवी इंटर कॉलेज की ये बस थी और स्कूली बस ने बाइक सवारों को कुचला है, जिससे दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। बस में सवार सभी टीचर और बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि छानबीन में पुलिस जुट चुकी है और मौके पर पुलिस मौजूद है। साथ ही आपको बता दें, छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के सौरिख रोड का ये मामला है, जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया और हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई। कन्नौज से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार के चलते एक स्कूली बस ने बाइक सवारों को कुचल दिया, तीन लोगों की यहां मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रहीस खान हमारे संवाददाता कन्नौज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रहीस, तो हादसे के बारे में क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, आपको बता दें, जनपद फरखाबाद के जहांगंज के गांव दान मंडी के सेवाराम अपनी पत्नी और मां भतीजे रोहित सहित पांच लोगों के साथ जनपद औरैया के बिदुना गए हुए थे। जी, आज सुबह सभी लोग दो मोटरसाइकिलों से घर वापस लौट रहे थे। जी, रोहित पीछे था, सेवाराम की पत्नी और मां मोटरसाइकिल पर बिठाकर आगे चल रहा था। छिबरा मऊ कोतवाली के सौरी रोड पर अचानक सामने से आ रही आशा देवी बालिका इंटर कॉलेज की तेज रफ्तार स्कूली बस ने टक्कर मार दी। जी, जिससे तीनों की घटना स्थल पर मौत हो गई। बिल्कुल रहीस खान, तो तीन लोग जो शादी समारोह से लौट रहे थे, तीनों की मौत हो गई, क्या उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? हाँ, पुलिस ने परिजनों को जानकारी दे दी है। मौके पर क्षेत्राधिकारी पहुंचे, सबों को कब्जे में लिया है। तो पूरे मामले को लेकर अभी तक जो पुलिस ने जांच की है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, किसकी गलती थी? बस चालक की लापरवाही बताया जा रही है, तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था बस। जी बिल्कुल रईस खान, साथी स्कूली बस के साथ जो लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो स्कूल प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। एक बार फिर से स्कूली बस के साथ हादसा हो गया है, बच्चों की क्या स्थिति है, क्या किसी के घायल होने की खबर है? नहीं, बच्चों का हल्की फुल्की चोट जैसी महसूस हुई है। बच्चों में चीख पुकार मच गई थी, बस में बच्चे सवार थे, स्कूल जा रहे थे, उसमें चीख पुकार मच गई। बिल्कुल रईस खान, साथी आपसे जानना चाहेंगे स्कूल प्रशासन जो है उनका पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चालक जो है वो अनट्रेन था या फिर जो भी वजह रही, तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। इस संदर्भ में स्कूल संचालक से बात की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बिल्कुल रही, स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है? नहीं, उन्होंने कहा स्कूल प्रशासन के सामने से अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन क्षेत्राधिकारी श्रीकांत प्रजापति का कहना था कि इस मामले पूरी जांच की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस खान तमाम जानकारी देने के लिए। तो हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई है, परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है, पुलिस मौके पर मौजूद है और साथ ही पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। साथ ही जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसे में कहां गलती रह गई और किसकी तरफ से लापरवाही बरती गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि स्कूली बस के साथ लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं और स्कूली बस ने एक बार फिर से एक बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसके चलते तीन लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जो स्कूली बस के चालक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और जिम्मेदारी के साथ उन्हें स्कूली बसें चलानी चाहिए, क्योंकि इतने मासूम बच्चों की जिंदगी उनके कंधों पर होती है।